नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में आपके स्वास्थ्य, आपके हेल्थ से जुड़ी कुछ चीज़ों पे। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले कुछ दिनों से प्रीलिम्स में सफलता के सूत्रों पर बात कर रहे हैं कि अब जबकि बहुत कम समय बचा है प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए, उल्टी गिनती चल रही है। 4 अक्टूबर को यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है और 11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस की। तो इस लास्ट मोमेंट में आप किन बातों का ध्यान रखें, कैसे आप समय का बेहतर सदुपयोग करें और इस बचे हुए समय का भी आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे सुनिश्चित करें। आज मुझे लगा कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, स्पेशली अभी जो दौर चल रहा है उसमें जो सबसे बड़ी चिंता और ज़रूरत है वो है हेल्थ या स्वास्थ्य। और अब अचानक आज के न्यूज़पेपर भी मैंने देखा कि यूपीएससी ने कुछ डायरेक्शन भी जारी किए हैं उन लोगों के लिए जो 4 अक्टूबर की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज फिर इसी मुद्दे पे चर्चा हम करने जा रहे हैं आपसे कि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें जिनको आप ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य की चिंता भी बहुत आवश्यक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मेरे हाथ में है, 11 सितंबर 2020 का ये अखबार मेरे हाथ में। इसमें आप देखेंगे यूपीएससी के डायरेक्शन के बारे में कुछ लिखा है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य, यूपीएससी। तो अगर आपने ये न्यूज़पेपर पढ़ा है या यूपीएससी की साइट आप लोग रेगुलर बेस पे देखते हैं, व्हाट्स न्यू, तो जानकारी होगी आपको। अदरवाइज मुझे लगा ये मेरी एक मॉरल ड्यूटी है कि मैं आपको ये जानकारी दे दूं। जानकारी इसलिए होना ज़रूरी है कि ताकि आप अभी से प्रैक्टिस कर लें इन चीज़ों की। जानकारी तो इस बीच में अभी 20-22 दिन का समय है तो हो जाएगी आपको किसी ना किसी माध्यम से, लेकिन जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेहतर है। तो इसलिए जैसे ही मुझे पता लगा तो दिमाग में तो था ही कि एक दिन आपसे चर्चा करूंगा, तो आज मैं इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूं आपसे। थोड़ा पढ़ के बता रहा हूं क्या लिखा है न्यूज़ में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कहा है कि आगामी 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रतिभागियों का मास्क या फेस कवर पहनकर आना अनिवार्य होगा। तो जो आप में से जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, मास्क या फेस कवर पहनना मैंडेटरी है, यूपीएससी का डायरेक्शन आया है ये। और स्वाभाविक सी बात है कि यूपीपीसीएस में भी इसी तरह का होगा। जो इंटरव्यू चल रहे हैं, यूपीएससी में इंटरव्यू हुए, यूपीपीसीएस में इंटरव्यू हुए, बीपीएससी में आगे होने हैं, तो हर जगह मास्क पहन के ही इंटरव्यू हो रहे हैं। हम लोग जो मॉक ले रहे हैं तो इसीलिए वो मॉक बार बार आ जाता है, तो ऑनलाइन ही होते हैं, लेकिन एकाध कोई ऑफलाइन में, तो मास्क या इवन ऑनलाइन वालों को भी सलाह दी जा रही है कि वो मास्क पहन के मॉक इंटरव्यू में आए ताकि अभ्यास हो सके उन्हें। अभी हम लोग उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, उतने फैमिलियर नहीं हैं मास्क से। मास्क पहन रहे हैं 2-5 मिनट में ही गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, उलझन हो रही है, उतार दे रहे हैं मास्क। मॉक इंटरव्यू में बोलना भी होता है तो बोलने में और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मास्क पहन के बोलना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहे लोगों को, उसी में थोड़ा सा स्थिति असहज हो जा रही है। तो सलाह दी जा रही है कि वो पहले से प्रैक्टिस कर लें, मॉक देने आए तो उसमें भी प्रॉपर मास्क पहन के या जिस कहा गया है फेस कवर पहन के आए और उसकी प्रैक्टिस। तो मॉक का मतलब ही होता है कि प्रैक्टिस। मैं भी आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि अभी से आप भी प्रैक्टिस शुरू करें इस बात की।
दो दो घंटे दो एग्ज़ाम होने हैं, जीएस और सीसेट। उम्मीद थी कि ला नीना की वजह से इस बार जल्दी ठंड शुरू हो जाएगी, देर तक ठंड रहेगी। बीच में लगा भी था कि पूरे सितंबर बारिश होगी, लेकिन अब आधा सितंबर तो निकल गया, अभी तो कोई बारिश नहीं है। गर्मी फिर से लग रहा है कि जैसे मई जून टाइप गर्मी पड़ रही है, उतना ही ह्यूमिडिटी है। और तो वैसी स्थिति में मुझे लगा कि जितना जल्दी आपको ये डायरेक्शन पता रहे और इसके अकॉर्डिंग अभी से आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें उतना बेहतर। 4 घंटे आपको मास्क या फेस कवर लगा के बैठना है, और अभी के मौसम के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा मौसम तो नहीं है, अभी भी गर्मी अच्छी खासी है। अब 4 अक्टूबर तक हो सकता कि मौसम थोड़ा बेटर हो जाए, लेकिन आप तो तैयारी करके रखें कि 4 घंटे मास्क के साथ या फेस कवर के साथ बैठना है, यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में बैठना है। तो अपने घर पे मास्क लगाना, कहीं घूमना और वहाँ यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में, जहाँ ऑलरेडी 180 क्वेश्चंस का प्रेशर पहले ही इतना है, 2 घंटे में उनको करने का प्रेशर है, ये एक अतिरिक्त प्रेशर अब है कि मास्क भी लगाना है उस पर, बार बार जहाँ पसीना आता है टेंशन होता है, या फेस कवर भी लगाना है। असहज स्थिति ना हो जाए वहाँ, तो बेहतर है कि जो ये आपके पास अभी बचा हुआ समय है 20-25 दिन, इसमें आप अभी से पर्याप्त प्रैक्टिस कर लें मास्क की, ताकि 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर तक आप मास्क के साथ कंफर्टेबल फील करने लगें, फ्रेंडली हो जाएं आप मास्क या फेस कवर के साथ। सो जाएं, सबके पास मास्क होगा, लेकिन जो एक अच्छी क्वालिटी का मास्क जो आप एग्ज़ाम हॉल में पहनेंगे वो खरीदें, और उसी मास्क के साथ अभी से अभ्यास शुरू करें। दो खरीद लें, एक के साथ अभ्यास, एकदम नया पहन के जाना चाहते हैं 4 को, तो सेम 2-3 खरीद लें सेम एक के साथ। अभी आप इस बीच में अभ्यास करना शुरू करें, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बैठने का। अभी आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो मास्क लगा के पढ़ाई करें, नहीं कर रहे होंगे अभी आप ऐसा कि भाई अकेले बंद कमरे में रूम पे बैठे हैं, अपने घर पे हैं, तो मास्क की क्या ज़रूरत है, क्यों लगाएंगे। लेकिन नहीं, अब आप अकेले बंद कमरे में हैं, घर पे हैं, फिर भी मास्क या फेस कवर जो भी आप पहनेंगे खरीदें, उसका अभ्यास करें प्रॉपरली, ताकि इतनी देर 4 घंटे 6 घंटे आप मास्क फेस कवर के साथ रह सकें। और सबसे बड़ी बात कि असहज ना हो। आगे पढ़ रहा हूं, इसके अलावा परीक्षार्थी पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइजर भी ला सकते हैं। इसके लिए अभ्यास नहीं करना है यहाँ, लेकिन डायरेक्शन है कि आप पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बोतल में हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं चाहते हैं तो। 4 अक्टूबर रविवार को पूरे देश में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होना है। इससे पहले यह परीक्षा 31 मई को होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्थगित कर दिया गया था। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। जो परीक्षार्थी मास्क या फेस कवर नहीं पहनेंगे, उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बड़ा क्लियर लिखा है कि बिना मास्क या फेस कवर के प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहे आपको कि पहनना है नहीं पहनना है क्या है। बड़ा जो न्यूज़पेपर दैनिक जागरण 11 सितंबर 2020 राष्ट्रीय संस्करण, उसकी न्यूज़ में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसके अलावा वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र और परीक्षा कक्ष में शारीरिक दूरी के सभी नियमों का पालन करने के साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखना होगा। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी, जो स्वच्छता है
उस सबका भी ध्यान रखना है। आयोग ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट पर ई एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं। तो ये न्यूज है दैनिक जागरण अखबार में। तो जो दो तीन बातें, फिजिकल डिस्टेंस वो तो खैर है ही अंडरस्टूड कि होना ही है, हैंड सैनिटाइजर आपकी इच्छा है चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि उसके लिए जो बोतल यूज करेंगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो इसको भी सुनिश्चित करें आप कि हैंड सैनिटाइजर जो आप ले जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बोतल हो, और सबसे बड़ी बात फेस मास्क या फेस कवर, जिसके लिए आपको मेरे हिसाब से अभी से अभ्यास करने की ज़रूरत है। 4 घंटे तो बैठना ही है, आना जाना, वहाँ इंटर करना, थोड़ा पहले पहुँचेंगे तो 5-6 घंटे आपको कवर रखना है, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर झेलना है और मास्क का एक्स्ट्रा प्रेशर, तो अभी से आप उसका अभ्यास करें। इसी संदर्भ में और एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो सबसे ज़रूरी बात यह आपके स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई, पिछले वीडियो में मैं आपसे पढ़ाई की बातें कर रहा था, आगे भी और कई सारे वीडियो में लाऊंगा एक एक करके, तो पूरी एक यह सीरीज है छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें जिनसे आपको मदद मिलेगी अपनी परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने में। तो स्वास्थ्य से जुड़ी और एक दो बातें, पिछले 6 महीने से लगभग हम लोग बंद हैं घरों में, और इसका जो एक बड़ा दुष्प्रभाव दुष्परिणाम देखने को मिला है वो हेल्थ इश्यूज ही हैं। कोरोना से, कोविड-19 से तो हम बच गए हैं, लेकिन उससे बचने के क्रम में जो हमने काम किए या नहीं किए हैं तो कुछ नई समस्याएं जरूर पैदा हो गई हैं हेल्थ से जुड़ी हुई। बहुत सारे लोगों को, सबको नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो गई हैं बंद रहने से, बहुत सारे लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम हो गई हैं। आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली में रहते थे, जिम भी ज्वाइन किया होगा, आप में से कई सारे लोगों ने जिम जाते थे, नहीं तो वॉक करते थे, रनिंग करते थे, कुछ गेम करते थे, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते थे। अब ये घरों में बंद होने से बहुत सारे लोगों के छूट गई ये चीज़ें। जो लोग दिल्ली से चले गए तो अब अपने गांव शहर में नहीं है वहाँ जिम की व्यवस्था, तो जिम छूट गए, हैं दिल्ली में तो बंद हैं जिम, तो जा नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने अपनी इन चीज़ों को इस दौरान भी जारी रखा होगा। कई लोग ऐसे भी हैं हम जैसे लोग जिन्होंने जो नहीं करते थे अब वॉक करना, साइकिल चलाना शुरू किया। तो मैं सलाह देना चाहता हूँ आपको भी कि अभी अगर नहीं कर रहे हैं ये सब काम, आधा घंटे का कम से कम समय निकालें 24 घंटे में। मैंने कहा था आपसे कि 24 घंटे में 16 घंटा पढ़ना है, 6 घंटे सोएं, 2 घंटा बाकी काम करें। मैं कहता हूं कि आप 16 की जगह 15.5 घंटे ही पढ़ें, आधा घंटा उसी में से सही कम से कम फिजिकल फिट रहने के लिए भी अगले 1 महीने के लिए तो कम से कम करें ही। सुबह उठ के आधा घंटा चाहे साइकिलिंग करें, चाहे वॉक करें, चाहे योगा का भी आजकल बड़ा लोकप्रियता बढ़ रही है, तो योग ही करें आधा घंटे। उसमें जो भी आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जो भी योग, सूर्य नमस्कार करते हैं, कम से कम इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी परीक्षा में बेहतर करने की। तो ये बेसिकली पढ़ाई का ही पार्ट होगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 16 घंटे जो पढ़ने का मैंने सुझाव दिया है उसी में आप आधा घंटा इसको शामिल कर लें, क्योंकि मेरे अनुसार ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा बेहतर करने का ही हिस्सा होगा। सुबह आधा घंटे भी आप इस तरह का फिजिकल कुछ व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं तो पूरे दिन आप तरोताज़ा होते हैं, पूरे दिन आप में एक जोश, एक स्फूर्ति, एक फिटनेस फील होता है, और वैसी स्थिति में जो आप 15 घंटे पढ़ाई करते हैं उसको आत्मसात कर पाते हैं। कहने को तो मैंने कह दिया 16 घंटा आप बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन मन से नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकली फिट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है,
मन भटक रहा है तो फिर ऐसे 16 घंटे केवल घड़ी देख के वो टाइम खराब करने का क्या मतलब? तो उससे तो बेटर है कि 16 की जगह 15 ही पढ़ें, 14 ही पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें वो फ्रूटफुल पढ़ें, जो पढ़ें वो इफेक्टिवली पढ़ें। और वैसा करने के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली इस बार ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 6 महीने लॉकडाउन और कोरोना की वजह से बहुत सारे काम हमने बंद कर दिए हैं करना, फिजिकल जो पहले हम करते थे फिट रखने के लिए। तो इसलिए विशेष रूप से ज़रूरत है कि वो अब हमने कहा आप अपने रुचि के अनुसार तय कर लें कि साइकिलिंग करना है, कि वॉक करना है, कि योग करना है, कि कोई गेम आपको आधा घंटे खेलना है, कि एक्सरसाइज करना है, कि अगर जिम की सुविधा है तो जिम करना है। लेकिन जो भी एक चीज़ एटलीस्ट आप आज से कल से जितना जल्दी है पहले से कर रहे हैं तो खैर आपके लिए फिर नहीं है सुझाव, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट अब करें, हमेशा करें। कम से कम 11 अक्टूबर जब तक एग्ज़ाम है, 4 अक्टूबर 11 अक्टूबर तब तक तो करें ही। एक ही 2 दिन में आप देखेंगे कि बहुत चेंज आप महसूस करेंगे, जो पढ़ेंगे ज़्यादा मन ज़्यादा ध्यान से पढ़ पाएंगे, ज़्यादा कंसंट्रेट होके पढ़ पाएंगे, थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज स्वास्थ्य था पढ़ाई का एक ज़रूरी हिस्सा, और चूंकि यूपीएससी का डायरेक्शन आया फेस मास्क को लेके, तो मुझे लगा कि मैं आपसे इस पर चर्चा कर लूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और इश्यूज़ पे आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।